बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेडीसी बैनुल मज़ाहिब कौमी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागा की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। आप देख सकते हैं 50-50 फिट के फानूस लगाए जा रहे हैं, उसके अलावा छोटे फानूस भी लगाए जा रहे हैं जहाँ पर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे उनके लिए। और ये बहुत बड़े एरिया में फ़ानूस लगाए गए हैं, वहाँ तक जहाँ तक स्टेज है आपको दिखा रहा हूँ। तैयारियाँ जा रही हैं, अभी बहुत ऊपर जाएगा, तकरीबन 18 फीट ऊपर जाएगा ये, और इंशाल्लाह आज हफ्ते की रात ठीक 9 बजे इंशाल्लाह ये शुरू हो जाएगा सिलसिला। यहाँ पर तिलावत कलाम पाक से महफिल मिलाद का आगाज़ हो जाएगा। यार तो आप बोलो, लाइट जलाएं, ये सब सुलझाए जा रहे हैं फानूस, फिर ये ऊपर हो जाएंगे, इनको चेनों से ऊपर किया जा रहा है। ये बिल्कुल कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने बरीटो रोड पे गुज़िश्ता 11 सालों से बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागा का एहतमाम किया जाता है, उसकी तैयारियाँ जारी हैं। हमने स्टेज तैयार किया जा रहा है, 48,000 चिराग जलाए जाएंगे, सारे फानूस भी अभी रोशन हो जाएंगे थोड़ी देर में। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा, आपकी स्क्रीन पे शेयर का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपके और भी जितने दोस्त अहबाब ऑनलाइन हैं वो भी देख सकेंगे और दिन भर भी देख सकेंगे कि किस तरह से तैयारियां जा रही हैं। ये भी बहुत ऊपर होगा, ये बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, फिर नीचे यहाँ चिरागों का एहतमाम किया जाएगा, और उसके अलावा लेफ़्ट और राइट इधर मर्द हज़रात बैठेंगे और उस तरफ ख़वातीन बैठेंगी हर साल की तरह, और यहाँ सारी टीमें लगी हुई हैं बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली रज़ा, कब से चिराग लगना कितनी देर में शुरू हो जाएंगे और क्या समझते हो कितने बजे तक लग जाएंगे सारे? फिर उसका तेल वगैरह? चलें बहुत अच्छा है। और वजी थके तो नहीं? सलाम वालेकुम आतिफ भाई, खैरियत से आतिफ भाई? अभी नाश्ता तमाम लड़कों को आप कराएंगे। और दानियाल थके तो नहीं? फंसी तूने जानबूझ के जमाई ली है, वाकई आ रही थी वाकई। और वकार भाई, ये वो हैं वकार भाई, बकरा मंडी में भी लाइटिंग आपकी होती है, वहाँ पर तो बड़े थके हुए नज़र आ रहे होते हैं गाय मंडी में, है ना, बकरा ईद में, और यहाँ पर भी लाइट का ठेका इनका, बाकी हमारे रेस्क्यू चीफ और टीकर लोग थक चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, मैं दिखा रहा हूँ लोगों को भाई, काम कर करके थक चुके हैं माशाल्लाह। वासिल भाई आए हुए हैं लाहौर से, इन्होंने किरत में मुकाबला किरत जो होता है उसमें इन्होंने पहला अवार्ड जीता है, और अजान में सेकंड पोजीशन ली लाहौर में। आज ये तिलावत कलाम पाक करेंगे और लाहौर से ये भी कराची पहुँच चुके हैं, और स्टेज की तैयारियों का सिलसिला भी जारी है। पीछे VIPs के लिए जो टेंट वगैरह हैं वो भी तैयारियां जा रही हैं, और ये आप आज स्टेज के ऊपर छत देखेंगे जो फूलों की बनाई जा रही है, बहुत अच्छा पूरी छत, यानी जितना एरिया आप खुला हुआ देख रहे हैं ये सब फूलों से बनाई जाएगी, फ्रेश फ्लावर से। और वो पीछे VIPs के लिए एरिया है वो तैयार हो रहा है, स्टेज तैयार हो रहा है, ये सारे काम जारी हैं यहाँ पर। और ये एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जिस वक्त हम कराची में मौजूद हैं और सालाना कौमी बैनुल मज़ाहिब मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागा जो कि आज रात शब में ठीक 8 बजे शुरू हो जाएगा, जिसका आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हो जाएगा, उसकी तैयारियों का सिलसिला जारी है।
अच्छा हाँ, मैं ये बता दूं, देखें JDC को इस किस्म की सुजुकियों की और भी ज़रूरत है जिसके अंदर सारा दिन खाना मुख्तलिफ दस्तरखानों पर जाता है। ये देखें, अब ये काफ़ी पुरानी हो गई, इसकी हालत काफ़ी गैर हो गई है। तो अगर आप लोग अपनी जानब से, तो मरूंगी नहीं जानब से, इस किस्म की हमें 5-6 सुजुकियाँ दिला दें भाई, बड़ी मेहरबानी होगी। कुमैल भाई हमारे बैठे हुए हैं, कुमैल भयानी, बैंकल हबीब में बहुत बड़ा नाम है। कुमैल भाई कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं? अब तो कोई तंग नहीं करता, गुड है। क्यों छोड़ दिया? छोड़ दिया, निकाला नहीं क्या इसको? क्या हुआ बताओ, पक्की बात है ना? और ये बैठे हुए हैं जिनको आप अजदहे और सांप और मुख्तलिफ जानवरों के साथ देखते हैं। किस नाम से इदारा है तुम्हारा भाई? हाँ, क्या काम है तुम्हारे इदारे का? हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं अबाउट एनिमल्स और नॉन एनिमल्स। अभी उस दिन तुमने कौन कौन जानवर अपने हाथ में पकड़े हुए थे? उस दिन मैंने अपना बर्मीज पाइथन, हैं बर्मीज पाइथन, उर्दू में बता दो, अजदहा और मगरमच्छ, हाँ और मॉनिटर लिजर्ड, तो वो कहते हैं बड़ी चीज के लिए होती है। उनको डर नहीं लगता तुम्हारे पास? और बिजनेस की दुनिया का बहुत बड़ा नाम यहाँ बैठे हुए हैं और बहुत बड़ी शख्सियत हैं, रूल्ला साहब। कैसे हैं रूल्ला भाई, किस तरह चल रहा है ऑनलाइन मार्ट, कैसा चल रहा है आपका, किस नाम से? जमारा। वजी भाई बैठे हुए हमारे, मुंतजर भाई बैठे हुए हमारे, हाँ मैं बिल्कुल बिल्कुल अभी 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 2 मिनट में आ रहा हूँ, अजाने हो जाएं फिर इनके पा रहा हूँ। तो राब भाई बैठे हुए, मुस्तफा भाई बैठे हुए। यार मुस्तफा भाई, ये कोई एक्सरसाइज करते हैं आप खास पेट निकालने के लिए, क्या ये? कैसे इतना इतना पेट इतनी सी एज में आप क्या कर रहे हैं ऐसा? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शाबाश खड़े हैं, शाबाश है। 124 की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। कौन से न्यूज़ चैनल में आजकल? न्यूज़ चैनल तो नहीं है, निकाल दिया सबने। सॉफ्टवेयर हाउस में जर्नलिस्ट काम कर। अच्छा माशाल्लाह, किस सॉफ्टवेयर हाउस में? LFDLF फॉर डेटा के। अली दादा ने जो है वो स्टार्ट करी है स्पीच, तैयार किया अली दादा ने, इस तरीके से जो है वो रिपोर्टर या टेलीकास्ट न्यूज़ टेलीकास्टर होते हैं, रिपोर्ट मतलब लोगों को सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं? नहीं ट्रेन नहीं कर रहे, खुद उन्होंने जो है तैयारी करी है ताकि इंटरव्यू दे सकें खबर। अच्छा दूसरे, अच्छा इंटरव्यू देने जा रहे हो, चैनलों में इंटरव्यू देने जा रहे हो, कैसे कोई बताना कैसे? अच्छा अच्छा फिर ठीक है, फिर बहुत बड़ा। कुमैल भाई मौजूद हैं, कैसे हैं कुमैल भाई? नहीं अभी का कुमैल भाई, माशाल्लाह कुमैल भाई थोड़े दिनों बाद चले जाएंगे अमेरिका। और कितना अर्सा हो गया कुमैल शादी को? अभी 1 साल हुआ। नहीं ना शादी की बात करो ना, आया था तो 2 साल हो गए ना? 1 साल हो गया, 2020 में तो हुई थी। क्या मैसेज दोगे अपनी मिसेज को अमेरिका में? दो साल हो गए, वही मैं कह रहा हूँ 2 साल हो गए। हाँ दुआ करेंगे, हाँ इनकी रुख्सती, मतलब ये रुख्सत नहीं हो पा रहे हैं, मामला बट गए हैं। और देखें ऊपर जाते जा रहे हैं फानूस सारे, यहाँ से उसको ये चेन को खींच रहे हैं, सारे पोलों की चेन एक साथ खींची जा रही हैं, तो ये सब ऊपर जा रहे हैं। बाकी जो छोटे वाले फानूस हैं उनका भी कनेक्शन ऑन होता जा रहा है। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूँगा इन वीडियोज़ को लाजमी शेयर करें ताकि लोग देख सकें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे मैसेजेस और कहीं बहुत सारी जगहों में इंटरनेट प्रॉब्लम भी आ रही है इस वक्त, अभी भी बड़ी मुश्किल से यहाँ कनेक्ट हुआ है। ये दिए पहुँचना शुरू हो गए हैं, सारे बोरे दियों के हैं और सारी टीमें काम कर रही हैं। मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ नुमाइश चौरंगी कराची से, जहाँ पर बैनुल मज़ाहिब कौमी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस व चिरागा की तैयारी में आगाज़ हो गया, जहाँ पर अपनी पूरी फैमिली के हमरा आ सकते हैं। वाइटल टी की जानिब से चाय का इत्माम है सबके लिए, और कोई शरबत वालों की जानिब से तकरीबन 2 लाख लोगों के लिए शरबत का अहतमाम किया जा रहा है। उसके बाद JDC की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खानों का अहतमाम होगा, यहाँ पर रिफ़्रेशमेंट का अहतमाम होगा। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नात खान हज़रात, मारूफ जितने मशहूर और कौमी शख्सियात हैं, वो उलमा इकराम, मशायख़ उज़्ज़ाम, दाता दरबार से एजाज़ अली हजवेरी साहब आ रहे हैं, पाक पतन से दीवान उस्मान फरीद चिश्ती साहब आ रहे हैं, और उसके अलावा बड़ी इमाम से पीर मुक़द्दस शाह काज़मी साहब आ रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में।
मेहमानाने ग्रामी की आमद जारी है कराची, और सब हमारे नुमाइंदे उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके होटलों तक पहुंचा रहे हैं। मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि और लोगों के में आ सकें। बिल्कुल हमें आ रही है शिकायत मुख्तलिफ जगहों में इंटरनेट की आ रही है। लेडीज़ का इंतज़ाम है, दराज की जानिब से गिफ्ट दिए गए हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो भी तकसीम किए जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत मनाजिर है, थोड़ी देर बाद ये मंज़र आप देखेंगे जब ये बिल्कुल ऊपर हो जाएगा, अभी तो ये नीचे है। आपने इतने खूबसूरत फानूस एक साथ इतने बड़े पैमाने पर शायद ना देखें उससे पहले। सारी टीमें अपना अपना काम कर रही हैं, मुख्तलिफ इलाकों से लोग आ रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। मैं तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा अपनी अपनी फैमिली के हमरा लाजमी शिरकत करें, और इंशाल्लाह शब में ठीक 9 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाता है और रात 2-2:30 बजे इंशाल्लाह अपने वक्त मुकर्रर इख्तिताम पज़ीर होता है। तकरीबन तमाम ही सियासी पार्टियों के सरबराहान उनके रहनुमा शिरकत करते हैं। अबे लोग सो रहे होंगे भाई, इसको बोल अभी नहीं करा, समझा यार। ये बहुत ऊपर जाएगा और मैं फिर यही गुजारिश करूंगा आप तमाम लोगों से जो लोग यहाँ मौजूद हैं लाजमी शिरकत करें आज रात 8 बजे इंशाल्लाह कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने बिरिटो रोड पे। हर साल की तरह गुज़िश्ता तकरीबन 11 सालों से इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, शिरकत करें। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के नात खान हज़रात, कौमी व समाजी शख्सियात, बिल्कुल मेन नुमाइश चौरंगी पे आप खड़े होंगे आपको नज़र आ जाएगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के सामने मेन नुमाइश चौरंगी पे खड़े होंगे आपको नज़र आ जाएगा। हर साल जहाँ पिछले साल मेहमान खुसूसी थे मरहूम मुफ्ती नईम साहब, जामे बनोरिया आलमिया के सरबरा रागिब नईमी साहब क़िबला लाहौर से, वो आ चुके हैं, सदारत कर चुके हैं। हर साल बड़े बड़े मेहमानान ग्रामी आते हैं, इस बार पीर नूरुल हक़ क़ादरी साहब हैं और भी दीगर जय्यदुल्मा इकराम हैं तमाम मज़ाहिब के तमाम मसालिक के। एक बार फिर गुजारिश करूंगा आप तमाम लोगों से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं लाजमी शेयर करें जहाँ जहाँ इस वक्त इंटरनेट है अवेलेबल है, क्योंकि बाज़ जगहों से आ रहा है मेरे इंटरनेट बंद हो गया, जहाँ जहाँ इंटरनेट मौजूद है वो तमाम लोग शेयर करें इस वीडियो को लाजमी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।